रोटी खाएंगे, बजड़ी का खाएंगे, तो बजड़ी का मैं भी खाऊंगी, तो उसी टाइम बनाऊंगी। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, यहाँ पे पूजा पाठ शुरू हो गया है। मंदिर की साफ़ सफाई मैंने पहले ही कर ली थी, उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा लास्ट में एंड में आप लोगों को दिखा देती हूँ, थोड़ी सी आरती आप लोगों को सुना देती हूँ कि कौन सी आरती करती हूँ, क्या करती हूँ। यहाँ पर स्वास्तिक बना रही थी मैं। स्वास्तिक में जो लोटा होता है उसमें स्वास्तिक बनाए बिना नहीं रखते उसको, खा बहुत बुरा माना जाता है। तो मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ, और रोज़ नहीं बनाती, दो तीन तीन दिन चार दिन में लोटे को जब साफ़ करती हूँ तो उसके बाद फिर बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्वास्तिक में थोड़ा सा सिंदूर लगा दूँ। और पूजा पाठ तो मेरा हो ही गया है, दिया जला के बस यही करना है। बहुत दिन से मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कभी तबीयत नहीं सही थी, कभी कुछ कुछ कभी कुछ हो जाता था। तो आज मैंने कहा मैं आज पूजा कर लेती हूँ, तो चलिए आरती कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। पिता महादेव एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर मोस की सवारी जय गणेश जय गणेश देवा माता जा की पार पिता महादेव अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया बांधन को पुत्र निर्धन को माया जय गणेश देवा माता जा की पार पिता महादेव पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडुवन का भोग संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जा की पार पिता महादेव दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी कामना को पूरक जग बलिहारी जय गणेश देवा माता जा की पार्वती पिता महादेव पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सूर्य श्याम सड़ावे सफल की जो सेवा जय गणेश देवा माता जा की पार्वती पिता महादेवा। के पूजा की थाली जो सो गाइज, यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो गया है। पतिदेव के लिए सब्जी भी बना के रखी हूँ, आटा थोड़ा सा है, गेहूँ का आटा लगा के रख दी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गेहूँ का रोटी खाएंगे, बजड़ी का खाएंगे, तो बजड़ी का मैं भी खाऊंगी, तो उसी टाइम बनाऊंगी। अपने लिए सब्जी कुछ नहीं बनाई हूँ, चल रही हूँ गोभी और हरा मटर की सब्जी बनाऊंगी बिना आलू का। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से सब्जी उब्जी बनाने के बाद। सो गाइस, जा रही हूँ खाना खाने। यहाँ पे मूली और खीरा सलाद है, ये है सब्जी, ये केवल किसकी सब्जी, हरा मटर और गोभी की सब्जी है। और ये निमेना, ये बाजरे की रोटी, एंड ये है रायता कद्दू का। आइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। सो गाइज, यहाँ पे आर्या क्या कर रही है, क्या कर रही हो आर्या? पूरा कपड़ा बांधे, ये दुपट्टा तो मैं लेके सुबह जाती हूँ, कॉटन का है ये। पूरे इतने कपड़े दिखाओ आर्या, इतने सारे कपड़े सब सिलना है, कोई टाइट फिटिंग करना है, किसी का सिलाई खुल गया है, तो आज मैं सोच रही थी करने के लिए, नहीं कर पाई, कल मैं पक्का करूंगी। सो गाइज, कपड़े प्रेस करके आ गए हैं, तो मैं सोच रही थी रख दूं, कुछ बच्चों के कपड़े हैं, कुछ मेरे कपड़े हैं, कुछ पति देव के कपड़े हैं, ये तो मेरे ही हैं।
ये भी मेरे ही है, ज्यादातर इसमें मेरे ही कपड़े हैं, पति देव के कपड़े। ये सब कपड़े रखने हैं, अभी आरओ के भी कपड़े रखने हैं। अभी आरओ बर्थडे पार्टी में से आया नहीं है, आठ बजने वाला है, अभी तक नहीं आया है। देखो कब, अभी चल रही कॉल करके पूछूंगी कि कब तक आएगा। उसके डैडी कब से वेट कर रहे हैं कि अभी तक आया नहीं। वो रहता नहीं है ना तो घर अच्छा नहीं लगता, घर काटने को लगता है। और ये तो मेरे कपड़े हैं, इसको भी रखना है अच्छे से। ये दुपट्टा मेरा ना आर्या ले लेके ना इसको खराब कर दे रही है, रोज आर्या यही दुपट्टा लेके जाती है। ये मेन बात है, ये दुपट्टा बहुत लाइट वेट है, बहुत हल्का है तो उसको अच्छा लगता होगा, लेकिन दुपट्टा खराब हो जाएगा तो सेट खराब हो जाएगा। तो यही सब है, ये आरओ का ड्रेस है, ये पूरा आरओ का है। आरओ आएगा तो बोलूंगी रखने के लिए उसको। ये तो उसके अटैची में रखवा देती हूँ। और ये वाइट कलर का कुर्ता पैजामा लाई थी उसके लिए, उस पे 26 जनवरी 15 अगस्त पे पहनने के लिए, तो नहीं पहना, वैसे ही पड़ा था। तो मैंने कहा प्रेस करके इसको रख देती हूँ, नहीं खराब हो जाएगा। इसको भी रख देती हूँ, मेरे भी कपड़े डालने हैं टैची में। चलिए इसको भी डाल देते हैं। यार मुझे भी नहीं पता था, कल याद करके कुछ लेकर जाना, दे देना। ये देखो मेरा पिटारा खुल गया है, इसमें रख रही है आर्या मेरे कपड़े। रुको मैं दे देती हूँ, मैं इसको रख दूंगी, नहीं तो तुम पहन पहन के खराब कर दोगी दुपट्टा। खांसी आती है इसमें मत सोया करो, दवाई पी लो, नीचे डाल के रखो ना, एक जगह पार्टी में जाना है 25 तारीख को। वो ट्यूशन वाली टीचर नहीं है, उनके यहाँ फंक्शन है। तो मौसी फोन करी थी कि बुलाएगी, तो मैं बोली तब आऊंगी, कपड़े खरीदना है उसके बेटी के लिए, बेटी का उसके लिए? बेटी की बेटी का फंक्शन है। वो तो वाइट वाला पहन लूंगी। हाँ वाइट वाला, जब राखी पे गिफ्ट दी थी। ठंड रहेगी, चलो मैं देखूंगी क्या पहनना है। मैं अपना बोल रही हूँ, अपना नहीं मैं अपने लिए बोल रही हूँ। रेड में ही पहन रहा हूँ, रेड या वाइट ही पहनते हैं। जो आपका मैं सेम सेम में दो दो, वो भी ये भी तीन हो गया ना वसीम। मैं लहंगा पहनू, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ लहंगा पहनूंगी। कल मैं जाऊंगी अपना वो देने, यार साड़ी नहीं देने जा पा रही हूँ, कल जाके दे दूँ साड़ी। कल सल साथ में चलना मेरे, वो जो करवा चौथ पे पहनी थी साड़ी उसको ड्राई क्लीन करवाना है ना, एंगेजमेंट में पहनना है तो वही देना है, तो साथ में चलना। एब्रो भी बनवाना था, बहुत बढ़ गया है एब्रो। अरे पता है, दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है। तो गाइज यही है आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फोटो बड़े चाव से खिंचवाती है आर्या। क्या चलो